वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम हिमानी सरस्वत। कथक बिगिनर्स कोर्स के आज के पार्ट में हम सीखेंगे कुछ ऐसे बेसिक स्टेप्स जिनका यूज किसी भी सॉन्ग के साथ किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, इससे आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम कुछ ऐसे बेसिक क्लासिकल स्टेप सीखने वाले हैं जिनका यूज आप किसी भी सॉन्ग के साथ कर सकते हैं। आप किसी भी सॉन्ग में उन स्टेप्स को ऐड करके डांस स्टेप बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो स्टेप्स क्या हैं। स्टेप वन, सबसे पहले स्टेप वन में हमें अपने पैरों की पोजीशन को रखना है। हम नॉर्मली खड़े हुए हैं, यहां से हमें अपने राइट लेग को इस तरीके से रखना है, हमें टो पर हमें हील को उठा के रखना है और हमारी बॉडी का जो डायरेक्शन है वो होगा लेफ्ट साइड। वन देन टू पे वापस हम अपनी पोजीशन पर आ जाएंगे। अब हमें अपोजिट करना है, यानी कि हमें लेफ्ट लेग को यूज करना है और हमारा डायरेक्शन होगा राइट। हमारी बॉडी का मूवमेंट राइट साइड है और पैर हमारा लेफ्ट बाहर है, इस पोजिशन पर है, हमें टो पे रखना है, हील को उठा के रखना है, देन अपनी पोजिशन पर वापस। वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, पैरों का स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ हाथों का स्टेप। हाथों की पोजीशन हमें स्टार्टिंग में ये रखनी होती है, ये अराल मुद्रा होती है, मैंने आपको पहले बताया था। हमें अपनी थ्री फिंगर्स को इस तरीके से टच करके रखना है और फर्स्ट फिंगर को थंब के साथ इस तरीके से रखना होता है टच करके, और दोनों हाथों को एल्बो को सीधा करके हमें इस पोजिशन पर सामने रखते हैं। अब यहां से हम करेंगे तो हमें जब हम लेफ्ट साइड पर हमारी बॉडी का डायरेक्शन है तो हमारा जो राइट हैंड है वो लेफ्ट साइड पर जाएगा वन, और जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो उसी पोजीशन पर रहेगा। वन इस साइड गया, देन टू अपनी पोजीशन। अब लेफ्ट हैंड राइट साइड पर जाएगा सेम, देन अपनी पोजीशन। तो पैर के साथ कैसे करना है, वन देन टू थ्री फोर। जब हम वन करेंगे हमारा जो राइट हैंड है लेफ्ट साइड पर जाएगा, तो हमें अपने आईज को अपने फेस को भी हाथ को देखते हुए उसी पोजीशन पर रखना है। वन देन फ्रंट, टू देन फ्रंट। तो आपने देखा कि हाथ और पैरों के स्टेप को मिला के हमने एक छोटा सा क्लासिकल स्टेप बना दिया है। आप इस स्टेप को किसी भी सॉन्ग के साथ यूज कर सकते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, आई थिंक आपको स्टेप समझ में आ गया होगा। नाउ स्टेप टू। स्टेप टू में हम देखेंगे कि हमें अपने पैर को राइट लेग को उठाकर अपनी पोजिशन से लेफ्ट लेग से आगे लेफ्ट साइड पर रखना है, वन देन वापस अपनी पोजिशन पर ले आएंगे। अब अपोजिट करेंगे लेफ्ट लेग को राइट साइड पर, राइट को क्रॉस करते हुए वन देन वापस अपनी पोजिशन पर। तो वन टू थ्री फोर। अब हाथों का स्टेप हम इस पे क्या करेंगे, हमें अपने हाथों को जब हमें लेफ्ट साइड पर हम अपने राइट लेग को ले रहे हैं देन हमें अपने लेफ्ट हैंड को नीचे इस पोजीशन पर लेना है। सीधा रखेंगे हाथ को इस तरीके से, तिरछा रखेंगे थोड़ा सा और राइट हैंड को ऊपर। ये पोजीशन हमने पहले ये पोजीशन सीखी थी हाथ की, अब हमें इसमें तिरछा रखना है अपने पैर के डायरेक्शन में, यानी कि वन टू थ्री फोर। जब राइट लेग हमारा लेफ्ट साइड जाएगा सेम डायरेक्शन में हमारा लेफ्ट हैंड उसके साथ पैरेलल रहेगा, वन टू थ्री फोर। सेम हमें अपने फेस का अपनी आईज का डायरेक्शन वही रखना है जो हमारे हाथ का था, वन हमने यहां देखा देन टू सामने थ्री फोर। तो आपने देखा ये स्टेप भी बहुत इजी है, हम इस स्टेप को भी कहीं भी किसी भी सॉन्ग के साथ यूज कर सकते हैं। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, आई थिंक आपको ये स्टेप भी समझ में आ गया होगा। नाउ स्टेप थ्री। स्टेप थ्री में हमें अपने पैरों को राइट लेग को वन, हमें अपनी बॉडी के डायरेक्शन को पहले राइट साइड मूव करना है देन हम सामने आएंगे, देन हमें लेफ्ट साइड मूव करना है फिर हम सामने आएंगे। जब हम राइट साइड बॉडी को लेंगे तो हमारा जो राइट लेग है उसे हमने पीछे इस तरीके से इस पोजीशन पर रखा है टो से और हील को उठा के रखा है, वन देन टू। अब हमें
लेफ्ट साइड पर जाना है तो हम लेफ्ट लेग को पीछे करेंगे। तो कैसे करना है, 1 2 3 4 पैरों का स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ हाथों का स्टेप, स्टार्टिंग पोजीशन हमें यही रखनी है। अब यहां से जब हमारा राइट लेग पीछे जा रहा है, सेम टाइम पे हमें अपने राइट हैंड को नीचे से 1 फिर वापस इसी पोजीशन पर, हमारा हाथ यहां था, हमने हाथ को ऐसे पलटा नीचे की साइड से लिया, देन अपनी पोजीशन ऐसे हम लेफ्ट हैंड को लेंगे। जब लेफ्ट लेग को पीछे लेंगे 1 2 पैर को हाथ के साथ पैरल हमें मैच करना है। यहां से किया हमने 1 2 3 4 हमें बॉडी को साइड तक टर्न करना है, 1 2 3 4 आई थिंक आपको ये स्टेप भी समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 आई थिंक आपको ये स्टेप भी समझ में आ गया होगा। नाउ स्टेप फोर में हमें अपने राइट लेग को अपनी पोजीशन से बाहर रखना है राइट साइड पर, 1 देन वापस अपनी पोजीशन पर लाएंगे। अब अपोजिट लेफ्ट लेग को हमने बाहर की तरफ निकाला लेफ्ट साइड पर, देन वापस हमें ये पैर टो से टच करना है, हील से नहीं करना है, हमें टो से टच करना है, 1 2 और हाथों का स्टेप हम क्या करेंगे, हाथों का स्टेप हमें हमारी पोजीशन ये थी, यहां से हमें पैर के साथ अपने राइट हैंड को 1 सीधा, देन 2 वापस हम ले आएंगे अपनी पोजीशन पे। अब लेफ्ट हैंड को 3 देन अगेन अपनी पोजीशन पे, तो पैर के साथ हमें कैसे करना है, 1 2 3 4 आई थिंक आपको ये स्टेप भी समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 आई थिंक आपको ये स्टेप भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखा आपने कि चारों के स्टेप्स इतने इजी और सिंपल थे, जिन्हें हम कहीं भी किसी भी क्लासिकल सॉन्ग के साथ, बॉलीवुड के बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स होते हैं क्लासिकल जिन्हें हमें कहीं परफॉर्म करना होता है, तो इन सारे स्टेप्स को हम वहां आसानी से यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको चारों ही स्टेप्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इन सभी स्टेप्स की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस के बाद हम इन्हें थोड़ा सा स्पीड के साथ भी कर सकते हैं। म्यूजिक के अकॉर्डिंग, म्यूजिक स्लो है तो हम इन्हें स्लो तरीके से करेंगे, और म्यूजिक फास्ट है तो हम इन्हें थोड़ा सा फास्ट भी करेंगे। चलिए एक बार चारों ही स्टेप्स को फिर से रिवाइज करते हैं। स्टेप 1 1 2 3 4 5 6 7 8 नाउ स्टेप 2 1 2 3 4 5 6 7 8 नाउ स्टेप 3 1 2 3 4 5 6 7 8 नाउ स्टेप 4 1 2 3 4 5 6 7 8 तो देखा आपने कितने इजीली हमने चारों स्टेप्स को सीख लिया है। आप इन स्टेप्स की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम 4 न्यू स्टेप्स और सीखेंगे। धीरे धीरे करके हमें इन स्टेप्स की प्रैक्टिस थोड़ा सा फास्ट करनी है, जिससे हम कहीं हमें फास्ट करना हो तो हम इजीली कर पाए। चलिए मैं एक बार आपको बताती हूँ थोड़ा सा स्पीड को फास्ट करके हमें कैसे करना है। स्टेप 1 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप 2 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप 3 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप 4 1 2 3 4 5 6 7 8 तो देखा आपने, प्रैक्टिस के बाद धीरे धीरे हम थोड़ा सा फास्ट भी आसानी से कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम 4 न्यू स्टेप्स और सीखेंगे, तब तक के लिए आप इन स्टेप्स की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। चलिए एक बार सभी स्टेप्स को हम म्यूजिक के साथ देखते हैं।
वो सॉन्ग प्ले करिए, देन आप स्टार्ट कर दीजिए प्रैक्टिस करना। स्लो है तो आप स्लो करिए, फास्ट है तो आप थोड़ा सा फास्ट करिए, लेकिन पहले हमें स्टार्टिंग स्लो से ही करनी है। सेम म्यूजिक पर आप उस स्टेप को स्लो भी कर सकते हैं और सेम म्यूजिक पर ही आप प्रैक्टिस के बाद उस स्टेप को फास्ट भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको चारों ही स्टेप्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 4 स्टेप्स और सीखेंगे, तब तक के लिए आप इन स्टेप्स की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अब यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो या आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।